फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के वाल्मीकि से एक युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जी हां, आपको बता दें कि युवक के शव मिलने के बाद उसकी खोजबीन शुरू हो गई थी, तो जिसमें मालूम चला है कि युवक राजीव नगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। जी हां, राजीव नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला 22 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में उस शव की पहचान की गई है। मृतक के भाई ने बताया है कि एक सप्ताह से मेरा भाई गायब है, जिसकी शिकायत है राजीव नगर थाना में दर्ज कराई गई थी। सुबह में अखबार के माध्यम से खबरें मिली कि फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक शव मिला है, जिसकी पहचान करने के लिए एम्स हम लोग पहुंचे। बेल के माध्यम से युवक की पहचान की गई है। कितने दिन से लापता था आपके भाई? पिछले संडे से गुम है वो। किसकी शिकायत आपने की थी? 14 तारीख से। आपने शिकायत कहाँ दर्ज कराई थी? हम लोग अपने स्तर से पहले एक दिन खोजे, इतवार के रात को आया नहीं, सोमवार को हम पूरा गोला रोड में जो भी उसका सर्कल था, जो दोस्त यार था, सबसे हम खोजे, पता किए। उसके बाद फिर जब पता नहीं चला, मंगलवार को भी पूरा खोज उसका बीन किया गया, पता नहीं चला। लास्ट में हम लोग गए राजीव नगर थाना में, वहीं पे हम लोगों ने FIR दर्ज करवाया है। राजीव नगर थाना में आपने FIR दर्ज कराया, तो थाना क्या बोला था? थाना का उन्होंने बोला, सबसे पहले तो वो भेज दिए मेरे को वहाँ कुम्हरार थाना कि आप जाके एक बार ये पता कर लीजिए कि वहाँ पे आपका लड़का है कि नहीं है। खुद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, इनके पास देख लीजिए अभी भी जो भी है मेरा भाई का FIR कॉपी था। अगर ये चाहते तो मेरे भाई का बॉडी सही सही बरामद कर सकते थे। वो बेचारा वहाँ पे बैठ के सड़ के वो जब बॉडी स्मेल किया है तब जाके इन लोगों को भी नहीं बताया गया। आज मेरी मम्मी सुबह को पेपर देख के यहाँ पे आई है, ठीक है। इन लोगों से बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप इनसे पता करो कि इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो क्या किया। मैं और मेरी मम्मी मेरी बहन दिन भर आपका थाना दौड़ रहे हैं, राजीव नगर थाना दौड़ते रह गए हम लोग कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जिसके साथ था उसका नंबर दिया गया, खुद से यहाँ तक इन्होंने ना यार बोला कि CCTV फुटेज निकालने के लिए, ठीक है। लास्ट जिससे बात हुआ था उसका नंबर तक दिया है मैंने, CCTV फुटेज तक इन्होंने नहीं निकाला, खुद से मेरे को जाना पड़ा वहाँ से CCTV फुटेज निकाल के दिए, तब भी बोल रहे हैं कि ठीक है कार्रवाई हो रही है। अभी तक कॉल लॉग नहीं दिया गया, एक हफ्ता हो गया, कॉल लॉग लड़का का नहीं पता चला कि उसका फ़ोन कहाँ चला गया, उसका कॉल लॉग किससे बात किया है, किससे क्या किया है। भाई क्या करता था? क्या काम करता था भाई? अभी कुछ कर नहीं रहा था, 12th में था। अच्छा, क्या नाम था? आयुष कुमार। उम्र कितना होगा? 23 साल, 22 साल। तो घर से क्या बोल के निकला था वो? पिछले संडे को ही वो निकला था घर से यही बोल के कि आ जा रहे हैं थोड़ी देर में, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। ना ही वो आया, ना ही उसका कॉल आया, ना ही वो। इस मामले में पुलिस ने बहुत बड़ी लापरवाही अपने ही उन भाई पर किया, जिसका लास्ट कॉल का डिटेल भी दिया गया, फिर भी पुलिस ने इस मामले की जांच नहीं की है। अब क्या कुछ कह रही है पुलिस, वो जरा सुने आप लोग। कल रात्रि करीब 9 से 10 बजे के बीच में फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत बाल्मी कैंपस के पीछे वाला जो एम्स दिघा एलिवेटेड के पास का बाउंड्री है, उसी पास झाड़ी में एक डेड बॉडी मिला था, जिस जो डिकम्पोज स्थिति में था। देखने से लग रहा था कि सब 3-4 दिन पुराना है। फिर हम लोग उसको लेके एम्स में अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। आज उसके परिजन सब की पहचान हो गई, वो राजीव नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उनके परिजन उनकी माता के द्वारा राजीव नगर थाना में लापता होने का पहले से प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया था। राजीव नगर थाना भी एम्स अस्पताल पहुंच के इस कांड में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो गया था, जिसके कारण ऊपर से कोई जख्म हम लोगों को नहीं दिखा,
पोस्टमार्टम में जो क्लियर होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना पुलिस ने क्या कहा। हालांकि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। जिस तरीके से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन किसी न किसी की हत्या हो रही है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के वाल्मीकि में युवक का शव मिला था, जिसकी तलाश जारी थी। तभी पता चला कि युवक राजीव नगर का रहने वाला है और उसका नाम अभिषेक है, जिसकी उम्र 22 साल बताई गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।